उदयपुर में हुए दिन दहाड़े हिंदू युवक की इस्लामिक जिहादियों द्वारा दुकान में घुसकर की गई हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में बुधवार को शास्त्री चौक पर जिहादी आतंकवाद का पुतला दहन किया गया, जिसके संबंध में दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि देश में जिहादी आतंकवाद के खिलाफ बजरंग दल ने पूरे भारत में पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया। जिहादी आतंकवाद द्वारा कमजोर हिंदू समाज को निशाना बनाकर उन पर आक्रमण किया जा रहा है। जिस तरह से उदयपुर में दिन दहाड़े एक हिंदू युवक की जिहादियों द्वारा दुकान में घुसकर हत्या कर वीडियो जारी किया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देकर देश की समरूपता की चुनौती दी है। इस घटना से संपूर्ण राष्ट्र का हिंदू समाज आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी की सजा दी जाए, ताकि जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं उनको संदेश जाएगा कि अगर ऐसा काम करेंगे तो उनको भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस अवसर पर जिला संयोजक नवीन पांडे, आलोक मिश्रा, सूर्यनाथ सिंह, देवीलाल गुप्ता, रंजीत कसौधन, राहुल गुप्ता, मिथिलेश कुमार, अमित पांडे, अनुराग सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, भारत माता की जय। सभी जिहादी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभी जिहादी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। आज देश में व्याप्त हो रहे जिहादी आतंकवाद के खिलाफ बजरंग दल ने पूरे भारतवर्ष में पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी क्रम में आज यहां गोरखपुर महानगर में बजरंग दल के द्वारा ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में जिस तरह से जिहादी घटनाएं हो रही हैं और कमजोर हिंदू समाज को निशाना बना करके उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, उसके विरोध में आज बजरंग दल ने ये उनको एक कड़ा संदेश देने का प्रयास किया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं हो रही आती, अब इसको वो लोग स्टॉप करें। जो लोग गिरफ्तार हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, सरेआम सजा दी जाए, ताकि ये एक सनद बने और लोगों को ये जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं उनके पर संदेश जाए कि अगर वो ऐसा करेंगे तो भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा।